नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा के बेकरी वालों ने किया ऐलान। मुमरा कौसा में आज से सभी बेकरी वालों ने बेकरी किया बंद। उनका कहना है शासन प्रशासन पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे का मोहलत देती है दुकान खोलने और बंद करने की, और बेच सकते हैं वो सामान 2 घंटे में सिर्फ। लेकिन 2 घंटे में जनता नाश्ते की सामग्री जैसे पाव, खारी, टोस्ट लेने के लिए टूट पड़ती है। और जो सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में मुमरा पुलिस उन बेकरी के कर्मचारियों पर, जो गरीब मजदूर उनमें काम कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रही है। एक वीडियो वायरल हो रही है, एक किस्मत बेकरी जो मुमरा के अमृत नगर में है, जहां पर कर्मचारी बेकरी के अंदर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, मुमरा पुलिस बेकरी के अंदर घुसकर काम करने वाले वर्करों को सड़कों पर लाकर कान पकड़कर उठ बैठ करवाई है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। जिसके कारण प्रहार टाइम्स से कई बेकरी मालिकों ने बताया, हमें भी डर है कोरोना से, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मुंबई के 70% लोग पाव खाकर गुजारा करते हैं। और ऐसे हालात में जहां देश लॉकडाउन है, और वहीं हम आम जनता का एक तरह से सेवा कर रहे हैं, और सरकार ने आदेश दिया है जरूरत की सामान इस लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे, लेकिन हमें पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही, इसलिए हम अपनी बेकरी को बंद कर रहे हैं, जिसमें जीवन आवश्यक वस्तु, जिसमें पहले नंबर पर बेकरी, दूध, डेयरी और जो है राशन की दुकान, मेडिकल, उसके बावजूद कहीं जिलों में, इलाकों में कुछ नियम अलग अलग बनाए गए हैं। लेकिन आज से पूरे मुमरा कौसा में लगभग 25 बेकरी बंद हो गई है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है किस्मत बेकरी की, जो उनके कर्मचारियों को बाहर निकाल कर जो है रोड पर, सड़कों पर जो है कान पकड़कर उठ बैठ करवाया है पुलिस वाले जो है वहाँ पर, जिससे पूरे बेकरी वाले सहम गए हैं, डर गए हैं जो है। और इसीलिए उन्होंने आज जो ऐलान किया है, जो बेकरी एसोसिएशन है, वो लोगों ने पूरे 25 ऐसे लोग हैं जो बेकरी खोल कर रखे हुए मुमरा कौसा में, जो बेकरी चलाते हैं, वो लोगों ने आज ऐलान किया कि हम आज जो है बेकरी बंद, आज से बंद रखेंगे। जब तक पुलिस हमें आदेश नहीं देती खोलने की, हम बंद रखेंगे, क्योंकि 2 घंटे में डिसिप्लिन कहें या फिर आप जो है सोशल डिस्टेंस की बात करें, तो 2 घंटे में सोशल डिस्टेंस नहीं होता है। जैसे ही हम दुकान खोलते हैं वैसे ही लोग टूट पड़ते हैं, तो हम जो है डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे, हम जो है सोशल डिस्टेंस नहीं रख पा रहे, इसलिए हमें जो है 10 से 12 घंटे का समय देना चाहिए, और नहीं तो हम इसी तरह से अपनी बेकरी बंद रखेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये किस्मत बेकरी 2 दिन से बंद कर दिया गया, इसी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी की वीडियो वायरल हुई। और इस पूरे मामले में साहिल होटल के बगल में एक बेकरी है, हुसैन बेकरी, उन्होंने क्या कहा पहले सुनिए। 2 दिन पहले ऐसे सुनने में आया कि बेकरी वालों पे मार पड़ी, पुलिस वालों ने मारा है, क्या था? मतलब आप भी एक बेकरी वाले हैं, आपको क्या मालूमात मिली और आपने भी बेकरी क्यों बंद कर रहे? मसला ये होता है कि हमको एक तो लीगल खोलने के लिए दिया नहीं जा रहा है। सुबह में हम जो 8 बजे से 10 बजे या 11 बजे या जो भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो उसमें इतनी पब्लिक आ जाती है कि हम खुद अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि 2 घंटे में हम पब्लिक को कवर नहीं कर सकते। और इतनी एक उसी 2 घंटे में पब्लिक को लेना है, तो 2 घंटे में पब्लिक जानती है कि अभी बंद हो जाएगा, तो भीड़ तो लगाएगी ना। तो पुलिस वाले बेकरी वालों को मार रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? और आपके इधर भी आए थे क्या? हाँ, हमारे यहाँ भी आए थे एक रोज। हमारे यहाँ भी आके बोले कि आपके जीवन आवश्यक वस्तु में नहीं आता है, बंद रखो। जीवन आवश्यक वस्तु में आता है, जो कि डोंबेवली के उसमें पूरा म्यूनिसपलिटी के उसमें लिखा हुआ है, पहला जीवन आवश्यक वस्तु में बेकरी, फिर दूध। पूरे बम्बई महाराष्ट्र में लेके 60-70% लोग पाव पर, वड़ा पाव पर जिंदा रहते हैं। और पाव जो है एक ऐसी चीज़ है कि हम सबसे पूरे महाराष्ट्र में सबसे सस्ता देते हैं, 8 रुपए की लादी देते हैं, और एक 4 रुपए का एक अंडा पब्लिक लेती है, उसमें पेट भर के अपना चली जाती है। हम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, सेवा चाहे तो कल भी बंद कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सेवा के नियत से खोल के रखे हुए हैं। आज से परमानेंट बंद है। अच्छा, आज से परमानेंट आप लोगों ने बंद करने का ऐलान किया है? हाँ, ऐलान क्या किया, सबने अपने अपने हिसाब से, कोई हमारी क्या, कोई
लीडर नहीं है, कोई यूनियन का लीडर उडर नहीं है, सब अपनी अपनी सेफ्टी के हिसाब से बंद कर रहे हैं। उनका भी कहना है 2 घंटे का समय मिला है बेकरी खोलने का, 2 घंटे में किस तरह से सोशल डिस्टेंस जो है हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि लोग टूट पड़ते हैं अगर 10 से 12 घंटे का समय मिलेगा तो डिसिप्लिन यानी सोशल डिस्टेंस हो पाएगा, और इसलिए सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा है और हमने जो है बंद करने का ऐलान किया है। एक तरफ से जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है 2 घंटे में जो हमें समय दिया जा रहा है, और उस 2 घंटे में हम क्या करेंगे, और दूसरी तरफ जो है पुलिस के मार जो है जो लाठियां है वो लाठियां बरसा रही पुलिस, उसके डर से उसके दहशत से बेकरी वालों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। और इसी मुद्दे को लेकर नगर सेवक सानू पठान ने आगे आए हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या किस तरह से अपील किया है बेकरी वालों के लिए, हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। मेरी मुमरा कोसा के सभी बेकरी वालों से ये अपील है, ये गुजारिश है, हाल ही में मैंने कुछ बात सुना हूँ कि मुमरा कोसा के कुछ बेकरी वाले, ज़्यादातर बेकरी वालों ने निर्णय ले रहे हैं कि वो बेकरी बंद करेंगे। उनकी शिकायत है कि पुलिस उनको परेशान कर रही है, पुलिस उनके बेकरी के अंदर घुस रही है, ऐसी कुछ बातें उनके डिपार्टमेंट को उनके आदमियों को मार रही है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पुलिस भी हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी हिफाजत के लिए सब कर रही है, नहीं तो पुलिस को क्या करना है, नहीं तो डॉक्टर को क्या करना है, उनके घर उनके बाल बच्चे नहीं है, वो सारी चीज़ों को छोड़ के वो इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति में भी हमारे लिए खड़े। मैं ये आपसे अपील करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे वॉलंटियर माननीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत साहब के सेंटर के वॉलंटियर, हमारे जो वॉलंटियर है, हमारे अनाज कर जो देते हम उसके वॉलंटियर, खाना देते जो उसके वॉलंटियर, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस धोखे में मार देती। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हालात आते हैं, लेकिन ये सोचिए इससे हम कितना पुण्य और कितना नेकी का काम कर रहे हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हम कोरोना की लड़ाई के साथ साथ हम इंसानियत कैसा जीतना चाहिए उसके लिए भी संघर्ष करें, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके सबके साथ चल के हाई अथॉरिटी से बात करूँगा, मैं गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत साहब से बात करूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट के हाई अथॉरिटी से बात करूंगा, लेकिन ये उपाय नहीं, हम इस हाल में मुमरा कोसा की जनता को नहीं छोड़ सकते। जिस हाल में आज वो है, पाँव दूध ब्रेड के सहारे कुछ लोग खाना जगह नहीं मिलता तो वो उस तारे मिल जाते, बच्चों को एक चीज रहती है, बच्चों को दूध मिल जाता है, बेकरी और पाँव के सहारे लोग पाँव से कुछ खा लेते, अगर आटे की दुकान चक्की बंद है तो लाइक पाँव के साथ आज कुछ खा रहे। तो मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे कदम ना उठाए, और ऐसे कुछ मामला रहेगा तो हम बैठ के बात करके मैं ये सारे सोल्यूशन निकालूंगा, हम बैठेंगे, हुआ तो कल ही हम एक मीटिंग लगाते हैं उसके लिए बैठेंगे, सारी मुसीबत हम बैठ के हल निकालेंगे, हाई अथॉरिटी से बात करेंगे, जो करने का रहेगा साथ में मिलके करेंगे, लेकिन हमारे मुमरा कोसा को हम इस हाल में नहीं छोड़ सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, हम इसको नहीं भूल सकते। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।